केंद्र सरकार की कोई भी योजना हो, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इसका लाभ समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना भी इससे जुदा नहीं है। इसी योजना ने मंदसौर जिले के छोटे से गांव गुर्जर परडिया के रहने वाले समृत गुर्जर की जिंदगी बदल दी है। समृत के गांव और आसपास के इलाकों में लहसुन की पैदावार बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं थी। समृत गुर्जर ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना की मदद से 30 लाख रुपए का लोन लेकर गार्लिक प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की और उनकी जिंदगी की गाड़ी सरपट दौड़ पड़ी। मेरा नाम समृत गुर्जर है, मंदसौर जिले के छोटे से गांव गुर्जर बडिया से मैं हूँ और मेरे मंदसौर जिले में लहसुन का उत्पादन अच्छा होता है और उनका रेट जो है बराबर मिल नहीं पा रहा था, तो मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं ग्रेडिंग मशीन डालूं और किसानों को माल जो है उसको ग्रेडिंग करूं। लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने सरकार की योजना मालूम पड़ी मुझे, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना, उसके तहत मैंने आवेदन किया। अब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है और मैं अपना ग्रेडिंग मशीन से जो किराया था उससे अपना लोन की किस्त भी जमा कर देता हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति अब ठीक है। समृत गुर्जर गार्लिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का मन तो बना चुके थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में जहाँ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली शिवराज सरकार के अधिकारी मदद के लिए आगे आए। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि वह उद्योग स्थापित करने में उनकी पूरी मदद करेंगे। समृत के आवेदन देने के 5 महीने के भीतर ही उन्हें बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 30 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ, जिस पर उन्हें 10 लाख रुपए की सब्सिडी भी प्रदान की गई। आज समृत को गार्लिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए 6 महीने बीत चुके हैं। आवेदन होने पर मेरा 30 लाख का लोन स्वीकृत हुआ और उसमें 10 लाख की मुझे सब्सिडी मिली और 20 लाख मुझे बैंक में जमा करने हैं। अब मैंने ये यूनिट अपने गाँव गुजरबड़िया में डाल दी। इससे मैं लहसुन ग्रेडिंग करता हूँ, इससे किसानों को भी अच्छा रेट मिलता है। मेरे यहाँ 5 लोग काम करते हैं, उनको भी रोज़गार मिल रहा है, मुझे भी रोज़गार मिला है और मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने इस योजना के तहत मुझे लोन दिलवाया और मशीन डलवाई और ये यूनिट डलवाई मुझे। इस योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। राज्य में सूक्ष्म खाद्य उन्नयन की 1772 इकाइयाँ लगने जा रही हैं। इन इकाइयों के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में ऋण स्वीकृत हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा उद्यमियों से आगे बढ़कर इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह भी किया है।